हम लोग का यही आंदोलन है कि बट्टा नहीं तो वोट नहीं, और नगरी निकाय जो चुनाव है वो बहिष्कार करेंगे। जो दीवार में आप लोग लिखवाया हो क्या नहीं तो और तो ये आप अपने स्वेच्छा से अपने मर्जी से और लगातार हम लोग का ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये पट्टा के लिए बोलते हैं, हम लोग आवाज के लिए फार्म भरो बोलते हैं, और आते हैं फार्म पास हो जाता है तो बोलते हैं पट्टा दिखाओ करके, और आप बोलते हैं हम लोग का नहीं तो पट्टा नहीं है तो फार्म को रिजेक्ट कर देते हैं, तो हम लोग को पट्टा ही नहीं तो आवाज का क्या फायदा उठाएंगे। इस वक्त मैं राजीन तहसील में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक के वार्डवासी यहाँ पे मौजूद है और किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं आइए जानते हैं। कि दीदी बताओ क्या आप कहा मांगना लेके यहाँ आओ बताओ? आवाज के लिए, आवाज के लिए, पट्टा के लिए, पट्टा के लिए। हाँ पट्टा नहीं मिल रहे हम लोग तो बहुत वहाँ चले गए कलेक्टर अभी चले गए और यहाँ अच्छा आप बताओ तो आप कहा मांगे हो आप टावर में बैठे हो? हम सब पूरा मोहल्लावासी मांग यही है कि मतलब पट्टा चाहिए, पट्टा नहीं तो वोट नहीं। और अगर शासन हम लोग का कुछ भी अभी जो आवेदन दिए अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग सीधा अभी नगर नगर चुनाव होगा उसमें पूरा बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करने वाले पट्टा। अच्छा, नहीं तो वोट नहीं है। कब से आप लोग को ये मांग आप लोगों कब से चल रहा है? 50 साल चल रहा है, 50 साल गया है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा कुछ नहीं मिला है। अच्छा आवाज जैसे कि पट्टा ना मिलने से क्या क्या समस्या होती है बता दो। आवाज का फायदा हाँ बता, पट्टा नहीं मिलने से छत्तीसगढ़ी मुठिया वो छत्तीसगढ़ी मुठिया ना का पट्टा नहीं तो वोट नहीं, पट्टा मांग करते बेटा ओकर साथे साथ आवाज के मांग करते दिन हो गए हमारे घर द्वार नहीं बने बेटा परे पानी का भी कुआ के हम झिल्ली में रह बेटा आवाज की कर झिल्ली में रह झिल्ली तो आज 50 साल हो गए बेटा हमारे के आवाज पट्टा नहीं मिले तब हमारा पट्टा चाहिए, पट्टा के बाद आवाज चाहिए। हम मन इतने थोड़े रह रहे बेटा झोपड़ी में, झोपड़ी हमारे मन के आवाज कहाँ कहाँ गिर चाहिए पट्टा मांगे पर बन के रहे डाक कर के मेला में के रहे अच्छा सब जगह के रहे बेटा घूम घूम के फिर कोई जगह हमारे मन के मांग पूरा नहीं हो नहीं हो हमारे मन के मांग न पूरा करे नहीं करी था कैसे कहा करे की रणनीति है वोट नहीं डाल वोट नहीं डाल सब सुनता हो। अच्छा कौन सा वार्ड के हर आप मना 12-13 तो ये इनकी समस्या है। अगर इनको पट्टा नहीं मिलता है तो आगामी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जो है वोट का बहिष्कार करने वाले हैं। आइए कुछ लोगों से और जानते हैं वार्ड वासियों से। जी बताओ। मैं 12 वार्ड निवासी राजेंद्र कुमार के साथ हम लोग चार बार कलेक्टर ऑफिस भी गए पट्टे की मांग के नाम से है ना। हम लोग को आने वाला पिछले एक साल पहले रोहित साहब जो विधायक हैं वो खुद आश्वासन दिए थे है ना जाने के लिए और उसके बाद अब विधायक बन गए हैं उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। आज हम लोग को मिलने का हम लोग को आज मिलने का समय दिया था। अच्छा, मिलने कौन दिया था? आज विधायक दिया था आज मिलने का समय पता नहीं है उसका मीटिंग हुआ है या क्या हुआ है पता नहीं है बाकी हमारा आने से पहले गायब हो गया था। अच्छा तो ये देख सकते हैं इनकी समस्या ये है कि इनको जो है इनको जो है पट्टा नहीं मिलने के कारण जो है ये जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जी नहीं पता का समस्या पट्टा की समस्या है। चार गाँव के मिले जासन बना थे फिर जाकर कौन चार विधायक जाकर जाथन गरीब आदमी हम के घाव हो गए रजी रोटी छोड़ के आवा था और कौन समस्या हल निकाली विच मन तो निकाली का तो कर पाँव पर जाथन तो सुनत नहीं है भागे भाग जात पट्टा चाहिए हमें। अच्छा कौन सा वार्ड कह रहा हूँ? 12 वार्ड कह रहा हूँ। का समस्या हो तो पट्टा नहीं मिलता अब लाभ नहीं मिला तो समस्या है तभी तो सब पट्टा नहीं है तो लाभ नहीं मिला तो करो। अच्छा मोदी साहब का निकाले है लाभ तो मिलते नहीं हमारे। अच्छा पट्टा नहीं तब वो लाभ मिली कोई छत नहीं मिला था हमारे। नहीं बता तो क्या कहना है? खेत खार है घर द्वार के मालाओ का कथे पट्टा दे को मालाओ गरीब मन के कोई सुने की नहीं गरीब मन पट्टा नहीं दे ये बार हो गई सही 50 साल में 10 घाव चल दी थी 10 घाव हो गए जात फिर कोई सुने की नहीं करे हमारे मन के तो गरीब मन के और रोजी रोटी छोड़ के आवत है हंटी ही रोजी रोटी आज कल दे
तो आप समझ सकते हो कि ये इनकी समस्या है, इनको जो है पट्टा नहीं मिलने के कारण जो है ये। जी बताओ आपकी क्या समस्या है? पट्टा के लिए बोलते हैं हम लोग, आवास के लिए फार्म भरो बोलते हैं, और आते हैं फार्म पास हो जाता है तो बोलते हैं पट्टा दिखाओ करके, और आप बोलते हैं हम लोग कहने तो पट्टा नहीं है, तो फार्म को रिजेक्ट कर देते हो, तो हम लोग को पट्टा ही नहीं तो आवास का क्या फायदा उठाएंगे। अच्छा आप लोग को मांगे, अगर आप लोग को नहीं मानी जाती तो आगामी आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? बहिष्कार करेंगे, चुनाव बहिष्कार। अच्छा हाँ, दीवार में जब तक पट्टा नहीं मिलेगा जब तक हम लोग चुनाव नहीं देंगे। हाँ। बहिष्कार करेंगे, वोट भी नहीं डालेंगे। अच्छा हाँ, इसी कारण हम लोग सब लिखवाए हैं पट्टा नहीं। क्या हाँ जी बताओ क्या बोल रहे हैं? हम लोग दीवार में, घर के दीवार में अपनी मर्जी से सब लिखवाए, जब तक हम लोग को पट्टा नहीं मिलेगा हम लोग वोट नहीं देंगे। ये जो दीवार में आप लोग लिखवाया हो, हाँ, क्या पट्टा नहीं तो वोट नहीं, तो ये आप लोग अपने स्वेच्छा से अपने मर्जी से लिखा है? पूरा बस्ती वाले लिखा है। हाँ, हाँ, जी नहीं बताते कहाँ बोलने वाला है? मैं 15 वाराणसी से आया हूँ। हाँ, हाँ, हमारे 40 साल से बसे हूँ। हाँ, मगर मांगत मांगत खत फिर हमारे मोहल्लम ना गिने चुने मिले हैं। हाँ, और हमारे घर तो खुद छानी है। हाँ, छानी वाला है झोपड़ी, ओमा ना ना आज ले आवास है न पट्टा। अच्छा तो आवेदन वगैरह डालते हो? हाँ डाला था। अच्छा कौन ना देता हूँ? पार्षद कर दे, पार्षद जगह देता हूँ, नगर पंचायत में। नगर पंचायत में? हाँ नगर। अच्छा शिविर लगे रिजना तब वो डाले रहे हैं। अगर मांग अगर नहीं माने जाते तो आगे अपन का कदम उठाओ? अब हमें मन करा वोट मांगे लाते तब अपन मन हाँ हमारे वोट दो। हाँ, आज जीतो तुम्हारा काम लग करो का थे। हाँ, जीते एक बात भूला जाते है नहीं। हाँ, तो हम मन नहीं देवन। अच्छा वादा है तो ये इनकी जो है इनका कहना है कि इनको जो है अगर पट्टा नहीं दिया जाता तो आने वाले समय में निकाय चुनाव में निकाय चुनाव का बहिष्कार करने के लिए ये तैयार है। हाँ दही बताओ क्या कहने वाला है? अगर पट्टा वाला है, पट्टा नहीं है, पट्टा नहीं है तो वास नहीं है, वास नहीं है तो लड़का मन स्कूल से जाना तो सब चीज पर कागज चाहिए, कुछ चाहिए, कहाँ से तो कहाँ से लाबो। सब चीज पर जानकारी हो, जैसे सरकार लाई देकर घर है की के दौड़त हम तब कोई सुनाई नहीं हुआ थे तो सुनाई काबर नहीं हुआ थे यही बोलने। अच्छा आप मन के पट्टा अगर नहीं माने जाते नहीं देते मांग ला नहीं माना थे तो आने वाले समय में क्या कदम उठाऊ आप मना? वोटिंग नहीं दानो की हुई। अच्छा वोट नहीं दो, वोट पर कैसे घर लगा देकर है की कोन्हा कोन्हा जान डर थे। हाँ, अब पट्टा पर कैसे नहीं जाना थे तो वोट लगाते से पट्टा भी सुने भाई गरीब के। अब पट्टा नहीं था कोई काम ही नहीं हुआ थे, न लड़का अच्छे से पढ़ सका थे, बड़े मिलने जा सका थे तो क्या मतलब। अपन महीना से बना ले हम तो छत भर है बोला थे बेटा। तो ये इनकी समस्या है। और भी कुछ युवाओं से जानते हैं जी क्या मांगे हैं आप लोग की और कितने वार्ड थे आप लोग, कितने लोग आए हुए हैं? हम लोग अभी वार्ड 1, 12, 13, 14, 15 सभी वार्ड से हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं पट्टा के लिए, पट्टा की मांग कर रहे हैं। हम लोग को जो भी प्रधानमंत्री आवास है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा लाभ कितने की संख्या में जो है आपके वार्ड में कितने की संख्या में लोग होंगे जिनको जो है आवास जो है पट्टा नहीं मिल पा रहा है? वो तो हमारे वार्ड 12 में ही करीब 250-300 घर है। अच्छा उसके बाद हर वार्ड में है वैसी जो पट्टा नहीं है आवास जिसको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। हम लोग का यही आंदोलन है कि पट्टा नहीं तो वोट नहीं। हाँ। और नगरीय निकाय जो चुनाव है वो बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करने वाले हैं। क्या ये जो है जिनको पट्टा नहीं मिला है वही लोग बहिष्कार करेंगे पूरा? नहीं, जो जिसको पट्टा नहीं मिला है वो यही आए हैं अभी, नहीं मिला है वही बहिष्कार करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक के यहाँ पे जो है जनता यहाँ पे पहुंची हुई है पट्टे के लिए। भी हमारे साथ जो है नगर पंचायत राजिम के नगर पंचायत उपाध्यक्ष मौजूद है। जी बताएं कि क्या है आप लोग की मांगे और किन मांगों को लेकर जो है आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इतनी संख्या में? हमारे सबसे बहुत बड़े मुद्दा है राजिम के पट्टा का मुद्दा है, हमारे सिर्फ और सिर्फ पट्टा चीज। जब तक पट्टा नहीं मिली तब तक आवास की योजना के लाभ नहीं मिल पाते। एक से एक नंबर 13, 14, 15, 6, 7 ऐसे बहुत सारे वार्ड है जो हमारे पट्टा नहीं मिल पाए, पट्टा नहीं मिले है एक वजह से गरीब तत्व का आदमी मन के आवास नहीं मिल पाते। और सरकार के ये है एक आदेश है जब तक पट्टा नहीं मिली तब तक आवास नहीं लागू नहीं हो पाए। हाँ। एक वजह से ऐसे गरीब तत्व का आदमी मन जो है रोज कमाते रोज खाते थे आदमी मन के पट्टा नहीं मिले, पट्टा नहीं मिले क्योंकि ओकर वजह से लोगन मन गरीबी स्थिति कैसे परिस्थिति में जिया थे। वार्ड नंबर 12-13 रोज कमाने खाने वाला आदमी वो मतलब 50 साल से ऐसे घूमत है और सरकार बदलत जाते आते जाते नया नियम बनाते। अभी बहुत सारा वार्ड में पटवारी जाके सर्वे कर चुके हैं, सर्वे हुए के बाद भी लगातार
कई बार सर्वे कर चुके पटवारी, बार बार बदला, लेकिन आज तक मतलब पट्टा के योजना के लाभ नहीं मिल पाए। और हमारे अभी सरकार के एक आदेश रही है कि 600 से नगरी निकाय में 600 वर्ग फीट और 800 वर्ग फीट हम मतलब देना है करके, और सर्वे 50 बार कर चुके पटवारी है। अच्छा। पटवारी आते जाते लेकिन आज तक फॉलो नहीं हो पाए नियम के। तो आप अभी तक कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन जनप्रतिनिधि है, ये बात ना रखे हो अभी तक, ये बताओ। टीका से पूर्व में कलेक्टर के पास अपन आवेदन लेके गए हैं, और पूर्व सरकारी से तो कांग्रेस के समय में थे, तो हमने ऊपर विभाग के मंत्री मतलब भी दे रहे हैं हमन, और अभी वर्तमान में हमने विधायक जिला एक बार और अवगत करा चुके हैं हमन, और यहाँ लगातार देते आधन आवेदन, और वही संबंध में आज विधायक जी के निवास भी गए हैं हमन, क्योंकि कुछ कारणवश विधायक जी से मुलाकात में कई वहाँ चले गए मीटिंग में वहाँ, तो हमने अभी SDM कार्यालय में आने, और SDM मैडम ला हमने अपन समक्ष अपन बात में रखो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो है वार्डवासी पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी जो है मांगों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। भैया ये का है, आवासीय पट्टा नहीं मिला थे हमारे, आवासीय पट्टा नहीं मिले अभी तक, तो विधायक महोदय करा कई बार जाके गरियाबंद भी कलेक्टर ऑफिस में जाकर आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन हमारे मन के कोई चुनाई नहीं होते, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो मन हमारे मन के साथ नहीं देते, देकर पाए आज हमारा SDM कार्यालय में ज्ञापन दे बरा है SDM महोदय। हमारे साथ वार्ड के पार्षद ओम प्रकाश आडिल जी मौजूद हैं। जी बताओ कि क्या कारण है कि कहां कहां आप लोगों ने बात रखी है, और आप लोगों को आप लोगों की मांगी क्यों नहीं मानी जा रही है? देखिए 22 अगस्त 2023 को भी हम लोग गए कलेक्टर साहब के जनदर्शन में, कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई, आवेदन तो देके आ गए, वहां से भी हमको आश्वासन मिला। ऐसे वार्डो में 7-8 बार सर्वे हुआ है, केवल आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। पूरे सारे जनता है नगर राजिम के कम से कम 8-10 वार्ड में, कम से कम हजारों परिवार इनको प्रधानमंत्री आवास के पात्रता में लाने के लिए पट्टा की आवश्यकता है, और लगातार हम लोग का ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये है, ये ठगा महसूस कर रहे हैं, जैसे आने वाले समय में जैसे कि वार्डवासी बता रहे हैं कि चुनावी बहिष्कार की रणनीति बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस मामले? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? शासन की योजना का लाभ हमको नहीं मिलेगा तो हम जरूर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कोई भी चुनाव हो, नगरी निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, समय आते ही सब कुछ करेंगे। अभी तो खुद मैं भी पार्षद हूँ, लेकिन मुझे तो जनता के बीच में रहना, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है जनप्रतिनिधियों के लिए, और जनता जो चाहेगी वैसे ही। आइए इस मामले में उच्च अधिकारियों को क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कुछ लोग आज यहाँ पे पट्टे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, और आप लोग के द्वारा क्या कुछ उन्हें आश्वासित किया गया है? नगर पंचायत राजिम के वार्ड नंबर 12 और 13 से कुछ लोग आए हुए थे, जिन लोग पुराने समय से शासकीय भूमि पे काबिज है और उसका उनको पट्टा चाहिए, तो आबादी पट्टे की मांग के लिए आए हुए थे, लेकिन उसमें हमने उनको ये बताया कि उनके जो जमीन है जिस पे वो काबिज है उसकी हम जांच करेंगे, वो किस दायरे में आ रहे हैं, और अगर नियमता उनको पट्टा मिलने का अगर होगा जांच उपरांत अगर ये आता है तो उसकी प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। मैम, उन्होंने अपने घरों पे ऐसा वॉल पेंट करवाया है कि वो पट्टा नहीं तो वोट नहीं, तो इसको लेकर क्या कुछ आप लोग के द्वारा समझाइश दी जा रही है? नहीं, इसमें सबसे पहले तो ये कि जांच का विषय है कि उसमें जो काबिज है वो कहाँ पे है, और अगर नियम में होगा तो वो जरूर होगा, नहीं होगा तो भी हम उनको बता देंगे कि किस तरह से वो और दूसरे लाभ ले सकते हैं, और वोट नहीं करने का तो ऐसी स्थिति हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ना आए, और उनको विधि का ज्ञान कई बार नहीं होता है तो उसको हम अच्छे से बता देंगे, और उनकी जो मांगे और जो वाजिब है और जो नियम के अंदर आती है तो वो पूरा करेंगे।